कहना चाहते हैं कि आज से तकरीबन 6 महीने पहले से हमने एक मोटर ये चीफ इंजीनियर साहब से दरख्वास्त दी थी, उन्होंने हमें दी ये मोटर। और उन्होंने यहाँ जब ये आई तो मैकेनिकल वाले कहने लगे कि आपकी पंचायत के क्या ये कई पंचायतों को शराब करेगी। उस दिन से लेके आज इसको तकरीबन 1 साल होने को जा रहा है इस मोटर को चढ़े हुए, तो यहाँ कोटा में भी पानी जा रहा है, गोलद में भी पानी जा रहा है, सिटी में भी जा रहा है, और कसाब की बारी जब आती है तो तकरीबन ज्यादा से ज्यादा यहाँ से 200 मीटर आगे जाके मोटर और बंद हो जाते हैं और पानी उससे आगे नहीं जाता। पता नहीं ये टेक्निकल फॉल्ट है या कोई चालाकी है हमारे साथ, हमारी वहां तो उन लोगों के साथ कोई ज्यादती हो रही है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी और हम गवर्नर साहब से भी ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, जबकि हमारे 6 महीने से इन लोगों के साथ इतना जुल्म हो रहा है कि कहने की बात नहीं। इनको पानी नहीं आए, जबकि हमारे इस ग्राउंड वाटर वालों ने ये एक कह दिया कि इस इलाके में इस पंचायत में ग्राउंड वाटर है ही नहीं है। अगर ग्राउंड वाटर नहीं है तो बिजली की जो लिफ्ट स्कीम है इन्होंने उस जगह बहाल की हुई है जहां पानी ही पानी है। जाके आप मेरे साथ चलें, चल के देख सकते हैं आप कि इन इलाकों में जहां इनकी स्कीमें फर्स्ट क्लास चल रही हैं उन इलाकों में कितना पानी है, और मेरी पंचायत में जाके भी ये मास्रा कर लें और देखें कि इस पंचायत में कहां पानी है, किस जगह है, किसी जगह कोई पानी कोई चश्मा बिल्कुल टोटल। इस वाले एडब्ल्यू साहब के पास भी आए, उसके बाद में एक दो बार एसडीएम साहब के पास भी गया, मैंने तहसीलदार साहब से भी कहा, मैंने कहा सर हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे लोग परेशान हो रहे हैं, हमारी बच्चियां वहां से पहाड़ी को क्रॉस करके तकरीबन 2 किलोमीटर नीचे से आके दरिया से पानी लेके कसाब पंचायत में जाएं, तो इनको ये शर्म की बात है कि अगर कसाब में पानी नहीं जा रहा है तो इनको वाजिब ये था इनका कि सबसे पहले पानी कसाब पंचायत में देना, उसके बाद बाकी लोगों को देना। अगर शहर के लोग ये भी इंसान हैं, वहां देहात में जो लोग रह रहे हैं वो भी इंसान हैं, अगर इन लोगों के लिए ये मरना जीना कर सकते हैं तो क्या आप उस पंचायत के लोगों के जिनकी बच्चियां वहां से मटका उठाती हैं और दरिया से 10 किलोमीटर पानी लेके जाके बच्चों को नहलाती हैं और बच्चों को खाना पका के देती हैं। तो मैं ये आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ जनाब एसडीएम साहब से, हमारे बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, उन्होंने हमें ये यकीन दहानी करवाई है कि हम पानी का हल करेंगे, और इसके बाद हम डीसी साहब से भी मेरी दरख्वास्त है, हमारा रद्द अमल ये होगा या हम अपनी जान देंगे हम, और ये नहीं कि मैं अकेला आऊंगा, मेरी पंचायत का बच्चा मरने को तैयार होगा, या हमें गोली लगाएंगे या हमें पानी देंगे। हाँ, इनका कुछ लोगों का जो पानी के सिलसिले में प्रॉब्लम्स थी उसमें मैंने AWPHE से भी बात की है अभी, तो उनका बेसिकली जो इशू है ये थोड़ा टेक्निकल इशू है, तो इसमें ऑलरेडी सरपंच साहिबान को AWPHE साहब ने पहले भी बताया था, उनको लूप में रखा हुआ था, तो मैंने भी इनको ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि जो जल्द से जल्द है इनका जो पानी है जो उसका मसला हल किया जाए, जो इनका जो कुछ ऑगुमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है मोटर का और उसका कुछ जो कुछ कनेक्शंस जो हैं वो उनको पानी पीछे वालों को नहीं आ रहा है दूर के लोगों को, तो उसमें कुछ टेक्निकल इशूज़ हैं, इसके लिए मैंने उनको हिदायत दी है आज भी यही साहब जाएंगे मौके पर, जल्द से जल्द इनका जो इशू है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। KLM International School, Defence Road, Mamun, Pathankot. Situated at the foothills of Shivalik, the school is pioneer of quality education and academic excellence. The school has fully functional and well-equipped smart classes, music rooms, dance room, art gallery, hockey club and sports club. Hello everyone, good afternoon. Myself Aliza Fatima Khan. I am from Jammu and Kashmir. My district name is Poonch Tehsil Mendar. My village is Keri Gruta. So, I choose KLM International School because first thing is discipline. We all know that discipline is most important thing in everyone's life. So, we KLMites always follow discipline. Second thing is principal ma'am and our staff members. My principal ma'am is treat me like a daughter. My staff members is very intelligent. So I feel family here every time. Also have well equipped laboratories like computer lab, physics labs, maths lab, home science lab. Fully well furnished and air conditioned rooms are available separately for boys and girls. The school also offers you mess facility where delicious and nutritious food is served. एक माँ होने के नाते अगर मुझे अपना बच्चा एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना होगा तो सबसे पहली बात जो मैं जानना चाहूँगी उस बोर्डिंग स्कूल के बारे में वो ये होगा नो फेक प्रॉमिस। सो एक माँ होने के नाते जो मुझे 3 चीज़ें चाहिए वो है डिसिप्लिन, स्टडीज एंड स्पोर्ट्स। कि एक बार अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए KLM इंटरनेशनल की तरफ भेजिए, खुद आके देखिए कि बोर्डिंग की स्टडीज़ आपके बच्चों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो इंशाल्लाह आपके बच्चे का भविष्य बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा
और इसके लिए आपको एक बार स्कूल में विजिट करना बनता ही है। फॉर एडमिशन फ्रॉम नर्सरी टू प्लस टू ऑल स्ट्रीम्स काइंडली कॉन्टेक्ट 9216504779 एंड 9216505779।